अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। आज मैं आपके साथ दही पकौड़ियों की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह बहुत कम वक्त में मैं अच्छी और साफ सुथरी जम से पाक दही पकौड़ियाँ घर में ही तैयार करती हूँ। इसके लिए ये जो पकौड़ियाँ यूज़ हुई हैं ये मैं मोस्टली बाज़ार की बनी हुई यूज़ करती हूँ। ये खुश्क होती हैं ये, और ये मैं केजी के हिसाब से मंगवा लेती हूँ, हाफ केजी, 1 केजी, जितनी भी रिक्वायर होती हैं। रमज़ान में और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये पकौड़ियाँ जब परचेज़ करके ले आते हैं तो ये काफ़ी देर तक स्टोर की जा सकती हैं, 6 मंथ तक भी। मैं सबसे पहले इनको भिगो देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। अगर इमरजेंसी हो तो उबलते हुए पानी में इनको डाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने से ये नरम हो जाएंगी। अब मैंने 3 घंटे पहले इसे भिगो दिया है, भिगो के रख देती हूँ। इसके बाद हम इसकी बाकी की तैयारी करते हैं। ये 1/2 केजी मैंने योगर्ट लिया है, जिसे मैंने बीट कर लिया है। आप इसे हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर, जिस तरह आपको ईजी लगे उससे बीट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से बीट हो गया, ये देखें। और ये साथ में मैंने इसके कुछ मसाले लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून रेड चिल्ली, और ये 1/2 टेबल स्पून ही चाट मसाला लिया है। अब मैं इन चीज़ों को ऐड कर देती हूँ। चाट मसाला मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, ये एंड में गार्निश के वक्त लगाएंगे इसके अंदर। ये डाल के मैं इसे थोड़ा सा हिला लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। अब हम इसके अंदर ये पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। ये पकौड़ियाँ वही हैं जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी। अब मैंने इनको स्टेन करके निचोड़ लिया है। निचोड़ना ज़रूर है, सिर्फ स्टेन नहीं करना, आप इसे हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर करके तो इसका पानी निकाल दें, वरना ये आपका दही जो है ये पतला हो जाएगा। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब मज़ीद चीज़ें, ये देखें, यहाँ पे मैंने ली है, इनको बारीक काट लिया है, 1 अनियन है इसे भी काट लिया है, और नमक लगा के इसे मैंने अच्छी तरह से मसल के साफ़ कर लिया है पानी के साथ, और ये इस शेप में आ जाए। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का था ये, इसके भी चॉप्ड पीसेस बना लिए हैं, और 1 आलू, ये भी बड़े साइज़ का आलू था, इसे बॉयल कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। सबसे पहले आलू डालते हैं, फिर टमाटर, फिर प्याज, ये चिल्लीज डालेंगे, और धनिया भी बाद में डालते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप घर में फटाफट से तैयार कर सकते हैं, जब भी टाइम की कमी हो, बेशक गेस्ट आए, अपने बच्चों के लिए दोपहर में, ये फुल ऑफ एनर्जी लंच है आपका। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर पकौड़ियाँ ऑलरेडी रेडी हों तो बहुत कम टाइम लगता है, अगर चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ये पकौड़ियों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह जल्द। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया करते हैं स्प्रिंकल, अब सबसे एंड में इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए, ले आपके दही पकौड़ियाँ फटाफट से तैयार हैं। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।